एनटीपीसी नवीनगर में बालिका सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। औरंगाबाद एनटीपीसी नवीनगर में बालिका सशक्तिकरण अभियान का उद्घाटन परियोजना के अदिति नगर आवासीय परिसर में स्थित केंद्रीय विद्यालय प्रांगण में किया गया। बताते चले कि यह कार्यक्रम 22 मई से 23 जून तक महिलाओं के प्रति उनमें जागरूकता दिखाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम एक महीने का रखा गया। इसका समापन 23 जून को किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की महिलाओं के प्रति जानकारी दी जाएगी और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा व उनसे दिलाने का काम एनटीपीसी नवीनगर करेगी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्री बीवीएन राव मुख्य महाप्रबंधक, श्रीमती डी रत्ना कुमारी अध्यक्षा सुजाता लेडीज क्लब पूर्वी क्षेत्र पटना व श्रीमती लक्ष्मी राव अध्यक्षा स्वरा महिला संघ एनटीपीसी नवीनगर द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। श्री राव ने इस अभियान में भाग ले रही सभी बालिकाओं को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर परियोजना प्रमुख के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे। सभी बालिकाओं को स्वागत करने के पश्चात उन्हें विशेष किट तथा बैग प्रदान किए गए, जिसमें योगा ट्रैक सूट, टी शर्ट तथा पाठन व लेखन सामग्री वितरित की गई। बालिका सशक्तिकरण अभियान के तहत बालिकाओं को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण के साथ साथ योग, सेल्फ डिफेंस, संगीत, नृत्य, खेलकूद इत्यादि भी सिखाया जाएगा। बालिकाओं के व्यक्तित्व विकास, कौशल विकास पर भी विशेष ज्ञान पर भी चर्चा की जाएगी। 3 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में बालिकाओं को आवास, भोजन तथा अन्य आवश्यक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी उचित प्रबंध किए गए हैं। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें नृत्य, संगीत की प्रस्तुति की गई। बालिकाओं के लिए इस अभियान में कोर्स की रूपरेखा के अनुसार सभी क्रियाकलापों पर ध्यान देने के लिए एजेंसी तथा स्वरा महिला संघ की सदस्यों का भी सहयोग लिया जाएगा। इस कार्यक्रम में आयोजित बीवीएन राव मुख्य महाप्रबंधक, श्रीमती डी रत्ना कुमारी अध्यक्षा सुजाता लेडीज क्लब पूर्वी क्षेत्र पटना व श्रीमती लक्ष्मी राव अध्यक्षा स्वरा महिला संघ एनटीपीसी के सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। प्रोग्राम को नवीनगर में पहली बार चालू कर रहा है। ये एनटीपीसी सीएसआर का बहुत फ्लैगशिप प्रोग्राम है। बहुत सारा प्रोजेक्ट में पहले चालू हो गया, एक तो बहुत सक्सेस हुआ था। बहुत डिजाइन अच्छा डिजाइन करके इस बार पहली बार नवीनगर में चालू किया। 40 बच्चे के साथ परिश्रम किया है और इसका सक्सेस देखो हम बढ़ाता ही जाएंगे। ये बच्चों का टैलेंट क्या है अंदर, उसका क्या कैपेबिलिटी है वो पहले समझ लेंगे, उसके बाद उसको और वो स्किल्स में अच्छे डेवलप करने के लिए हम लोग ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद उसका एकेडमिक्स में भी उसका क्या स्टैंडर्ड है देखेंगे, एकेडमिक्स में भी हम लोग ट्रेनिंग देंगे। इसका फॉलोअप भी रहता है, इसके बाद 3 महीने के बाद, 6 महीने, 1 साल भी ऐसा फॉलोअप भी करता है। ये प्रोग्राम इज़ रियली गुड फॉर द स्टूडेंट्स। मैं यही उम्मीद करता हूँ टीचर्स में, स्कूल में 40 बच्चे को ही हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये 40 बच्चे के फाइंडिंग्स को स्कूल में सब बच्चे लोग को भी ये स्प्रेड कर को एक गर्ल एम्पावरमेंट मिशन जम को सक्सेस बनाने को मेरा रिक्वेस्ट है। रियली वेरी गुड प्रोग्राम, ऑल आर रिक्वेस्ट टू इसको अच्छा यूज़ करने के लिए कोशिश करता हूँ। और एनटीपीसी में भी नेक्स्ट ईयर में नवीनगर में हमारा उम्मीद है 80 बच्चा नहीं तो 120 बच्चे को लिए हम लोग कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है सब लोग का। इतना बच्चा का अंदर कॉन्फिडेंस है, ये जम प्रोग्राम में आने से और बच्चा और कॉन्फिडेंट बन जाएगा, आत्मविश्वास आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर बन जाएगा। ये मेरा उम्मीद है। इस साल हम लोग 40 बच्चों को ये फैसिलिटी दे रहे हैं। अभी हमारा आगे अगले साल लगभग 100 बच्चों को हमारा टारगेट करना चाह रही है। धन्यवाद देना चाह रही हूँ नवीनगर पूरा सीएसआर और एचआर डिपार्टमेंट के 24 साल को। ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और सारा लास्ट एंडिंग प्रोग्राम में बच्चों आप लोग देख लीजिए, इतना कॉन्फिडेंट बन जाता है और उन लोग को सपना साकार करता है।